मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान की होगी विशेष गिरदावरी। किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 72 घंटों में देनी होगी जानकारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश के सभी किसानों, विद्यार्थियों और नागरिकों से नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मिलेट सम्मेलन में श्री अन्न प्रदर्शनी देखने का किया आह्वान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कथित देश विरोधी बयान पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में हुई स्थगित। और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विश्व वानिकी दिवस पर और विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में पंचकुला में एक कार्यशाला का आयोजन। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा कि प्रदेश में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। उन्होंने सभी किसानों से फसलों में हुए नुकसान की जानकारी 72 घंटों में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपडेट करने की अपील की, ताकि नुकसान का सही आंकलन सरकार को मिल सके। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि समय समय पर सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2017-18 में बेरोजगारी दर 8.6%, 2018-19 में 9.2%, 2019-20 में 6.5%, 2020-21 में 6.3% थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से 2014 तक 10 वर्षों में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि हमने 8 सालों में 1,01,000 से अधिक नौकरियां दी। इतना ही नहीं, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1,00,000 से अधिक युवाओं का कौशल विकास करके भी उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 2015 के बाद 12.64 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। तो जब 9-10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है। तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। यहाँ तक एम्प्लॉयमेंट सुधार की अगले प्रश्न की बात है कि हमने इसमें स्टेप्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हमने सरकारी जितने भी लिए हैं मैंने बताया, सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, प्लस टू को दिया। आज 1,00,000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने कल कृषि भवन नई दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश के सभी किसानों, विद्यार्थियों और नागरिकों से आह्वान किया है कि नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मिलेट सम्मेलन में श्री अन्न प्रदर्शनी को देखने के लिए अवश्य आएं। इस प्रदर्शनी को अब 22 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अंतर्गत संपन्न प्रथम वैश्विक सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर मिलेट्स आधारित पदार्थों की एक बड़ी एग्जीबिशन ICR पूसा कैंपस में आयोजित की गई है। यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुली है। मैं इस अवसर पर सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूं, 22 तारीख तक रहने वाली इस एग्जीबिशन में आएं, मिलेट्स के पदार्थों को देखें और उनको प्रोत्साहित करें।
संसद का बजट सत्र आज भी हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। सांसदों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की गई। लोकसभा में विपक्ष के सदस्य जेपीसी की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, जिस कारण सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित हुई। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति ने सदन में गतिरोध दूर करने के लिए आज अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। हालांकि राज्यसभा सभापति द्वारा बुलाई गई फ्लोर लीडर्स की बैठक में विपक्ष के नेताओं ने भाग नहीं लिया। वहीं राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा नियम 267 के तहत अडानी मुद्दे और जेपीसी मुद्दे पर दिए गए नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी की सफाई हो रही है। राहुल गांधी ने देश से झूठ बोला कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। भारत का हिस्सा नहीं मानती, उन्होंने कहा लोकतंत्र की सफाई हो रही है, कांग्रेस की सफाई हो रही है भारत के लोकतंत्र में। झूठ कहा कि बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। हर विषय पर अवसर दिया लेकिन बगैर तैयारी के आना, विषय पर नहीं बोलना, ये उनकी आदत बन गई है। सवाल किया FATF पर कि आज तो टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की केस स्टडी के रूप में ला रही है। प्रियंका जी ने आज तक जवाब नहीं दिया कि क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी थी गांधी परिवार की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपये में बेचने की और बदले में पद्म भूषण, पैसे के बदले पद्म भूषण देने की राणा कपूर को, यस बैंक के चेयरमैन को। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विश्व वानिकी दिवस पर और विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के सचिव डॉ. टीपी सिंह, ITBP भानु के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन और जिले भर के अध्यापकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वन विभाग के सचिव ने कहा कि वनों का जल, खाद्य पदार्थ और औषधियों पौधों से सीधा संबंध है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वनों के आसपास रहने वाले लोग शहरों की ओर आने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। जो हमारे विश्व का जो करीब 1/3 1/3 हिस्सा जो है वो वनों से जो भरा हुआ है, और अगर अपने भारत की, भारतवर्ष की बात करें तो करीब 25% जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र, उसमें वन है। और इन वनों का हमारे जल के ऊपर सीधा संबंध है, और जल से जो है हमारे खाद्य पदार्थ के ऊपर, और खाद्य पदार्थ से स्वास्थ्य के ऊपर जो है से वनों का एक निर्भरता है। वहीं इस अवसर पर शिक्षकों ने कहा साहित्य का प्रकृति से गहरा संबंध है और यदि हमें भविष्य को बचाना है तो वनों को भी बचाना होगा। साहित्य प्रकृति को किस प्रकार से बचा सकता है, रख रखाव करने में किस प्रकार से सहायक हो सकता है, ये सभी बातें आज प्रबुद्ध विद्वानों के द्वारा इस कार्यशाला में बताई गई हैं। और एक शिक्षक की भूमिका इस विश्व को, वैश्विक जो पर्यावरण को लेकर के समस्या हमारे सामने आ रही है, इसको लेकर के एक शिक्षक वर्ग किस प्रकार से सहायक हो सकता है। कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। कैथल के हिंगलाज माता के बड़ी देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भव्य ढंग से सजाया गया है। इन नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे और देश में सुख शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही पिंगल नामक नववर्ष संवत भी शुरू हो जाएगा। धार्मिक विधानों के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रों पर माता का वाहन नाव होगी, जो इस बात का संकेत है कि इस साल खूब वर्षा होगी। मंदिर के पुजारी पंडित विकास लेखवार ने बताया कि दुर्गा माता के चैत्र नवरात्रों का हिंदू धार्मिक ग्रंथों में विशेष महत्व है। इस दौरान माता की पूजा करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 9 दिन तक भगत माँ पराम्बा भगवती को प्रश्न करने के लिए जाने के लिए अपने आप को माँ को समर्पित करते हैं और बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ पराम्बा की आराधना करते हैं।
और ये तो हर वर्ष की बात ही भी, इस वर्ष भी मंदिर में माँ पराम्बा भगवती हिंगलाज के यहाँ बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालु आते हैं। दूर दूर से पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ रहते हैं, जो दूर दूर से माँ पराम्बा भगवती की मान्यता है, माँ हिंगलाज सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। भगत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ माँ पराम्बा भगवती के दर्शन करने को आते हैं। माँ पराम्बा भगवती की जो भी भगत श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ पराम्बा की आराधना करता है, माँ पराम्बा भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि बड़ी देवी मंदिर में देश और विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। वह माता उनके मन की हर मुराद पूर्ण करती है, कामना पूर्ण होती है, क्योंकि 9 के 9 दिन माता का निवास इस लोक पर रहता है और हर एक रूप में माता जो है हर दिन पूजी जाती है, और इन 9 देवियों को पूजने से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ लोग एक दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, और नवरात्रों में जो मंदिर की चहल पहल, देखने वाली सजावट आप देखोगे तो मंदिर में चारों तरफ सजावट, लाइट, रोशनी, लड़ियाँ और लोगों का उत्साह जो देखने वाला होता है, और माता भी, माता रानी भी, इन सब की जो दूर दूर से आते हैं लोग, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रदेश की मंडियों में सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। हिसार अनाज मंडी में ई खरीद पोर्टल के माध्यम से किसान गेट पास लेकर अपनी सरसों बेचने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं। सरकार ने सरसों के लिए 5,450 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। मंडी सचिव डॉक्टर गगन जोशी ने बताया कि पंजीकरण करवा कर आने वाले किसानों की सरसों को सरकारी रेट पर खरीदा जा रहा है। मंडी में सरसों को बारिश से बचाने के लिए कवर, शेड, फसल की बोरियां रखने के लिए प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हिसार मंडी में अब तक 12,500 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। पहले कमर्शियल परचेज हुई थी, अब सरकार ने आज से नोटिफिकेशन जारी कर दी है जो ई खरीद के माध्यम से खरीदी जा रही है, और इसका जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है 5,450 है, और सरकार की हिदायतों के अनुसार जो किसानों ने अपना पंजीकृत करवाया है अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, वो अपने फसल कभी भी मंडी में ला सकते हैं, उनकी ई खरीद पोर्टल से परचेज करी जा रही है। मंडियों में पूरी सफाई व्यवस्था और पानी की टंकियाँ वगैरह सब साफ़ करवा दी हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह खाली करवा लिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। डाटा के रिगार्डिंग अभी तक हमारे पास टोटल 12,500 क्विंटल के करीब अप्रॉक्सीमेटली आ चुकी है सरसों, उसमें से जो परचेज हुई है हैफेड के द्वारा 1,520 क्विंटल है। किसानों ने कहा कि मंडियों में सरकार द्वारा उचित प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने अन्य किसानों से सरसों को सुखाकर मंडी में लाने की अपील की। अपनी सरसों को सुखा करके ले आए और पंजीकरण अभी खुला हुआ है तो पंजीकरण करवाए। इन्होंने शेड यहाँ पे लगा रखा है तो फसलों की व्यवस्था ठीक बनी हुई है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई सरकार भाइयों से कि वो ई पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा कर ही बेचे। सरकार भविष्य में महंगाई को प्रभावित करने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में अभी से जुट गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक तमाम एजेंसियों के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में महंगाई की दर कम रहेगी। इस अवधि में महंगाई 5 से 6% के बीच रह सकती है। पिछले 2 महीने से महंगाई की दर 6% से ऊपर चल रही है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि आने वाले महीनों में महंगाई काफ़ी हद तक मौसम की स्थिति, खासकर गर्म हवा और संभावित अल नीनो पर निर्भर होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव और मैन्युफैक्चरिंग लागत में इस उतार चढ़ाव के पड़ने वाले असर से भी महंगाई प्रभावित होगी। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल फरवरी का महीना 1901 के फरवरी महीने के बाद सबसे अधिक गर्म रहने के बावजूद रबी फसल बेहतर दिख रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा विधानसभा में ढीना को उपमंडल बनाए जाने को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि हरियाणा सरकार वित्तायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी
जो नई उप तहसील, तहसील, उपमंडल और जिला के गठन के लिए नियम तय करेगी। फिलहाल 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि नई उप तहसील, तहसील, उपमंडल आदि के गठन और गांव को शामिल करने के लिए निर्णय लेती है। ये कमेटी अपना निर्णय उपायुक्त की सिफारिश पर आगे की कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही फिलहाल जनसंख्या का आंकड़ा है। अब राज्य सरकार के पास PPP का विश्वसनीय डाटा बन रहा है। उसी के आधार पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी अपना अगला निर्णय लेकर मंत्रियों की कमेटी को रिपोर्ट भेजेगी। करती है सरकार को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स, मगर क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लैंड बाउंड्रीज के लिए जो जनसंख्या ली गई थी वो 2011 की थी। अब PPP का डाटा आ रहा है, प्रोएक्टिव डाटा है। हमें लगभग ये अनुमान आता है कि कितनी जनसंख्या प्रदेश भर के अंदर और बड़ी है, किस इलाके के क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या है। अब हम FCR की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी बनाएंगे जो रिकंसीडर करेंगे पूरा कैलकुलेशन क्राइटेरिया कि एक सब डिवीजन, एक तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितने गांव, कितनी सब डिवीजन होनी चाहिए। जैसे उनकी रिकमेंडेशन आएगी उसके उपरांत जो दहिना की इनकी डिमांड है सब डिवीजन बनाने की, सरकार उस पर विचार करे। अब खबरें फटाफट। प्रदेश के दूरस्थ जिलों में तैनात अतिथि अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए चलाया गया शिकायत निवारण अभियान। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5,10,000 रुपयों की रिश्वत लेने के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों और 1 बिचौले को किया गिरफ्तार। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में इस साल जनवरी में कुल 14,86,000 सदस्य हुए शामिल। भगवान परशुराम की स्मृति में डाक टिकट जारी करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व डाक विभाग का जताया आभार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।